ओके क्लास, तो अभी तक हमने इंटीजर चैप्टर को किया था। हमने इसके क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे और इसके नोट्स भी किए थे। आज हम एक बार फिर से सारा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे और जो जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है उनको भी समझ में आए। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर था वो है इंटीजर। इंटीजर क्या होते थे? जी हाँ, जो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो। इंटीजर से पहले अपने को पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते थे। नेचुरल नंबर कौन से थे? 1 to इन्फिनिटी और होल नंबर 0 to इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंटीजर। इंटीजर होते हैं जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। दूसरी बात, इंटीजर के बाद जो हमारे पास आएगा वो आएगा रेशनल नंबर, जो फ्रैक्शन में होते हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इंटीजर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होते। ओके, तो उसके बाद हमारे पास कुछ ऑपरेशंस थे इंटीजर के जो हमने सीखे थे। यहाँ पे जो टेबल है, ये फोटो आपको दिख रही है, इसके अंदर सारे के सारे ऑपरेशंस थोड़े से एग्जांपल के रूप में बताए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला रूल था, सबसे पहला ऑपरेशन वो क्या था कि व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, उसके बाद ये इसके एग्जांपल्स हैं कि अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। और अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। और अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को ऐड करते हैं तो जो बड़ा इंटीजर है उसका साइन हम यूज़ करेंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, 45 में हमने माइनस का 25 ऐड किया, तो साइन इनमें 45 और 25 में से बड़ा कौन है? तो 45 बड़ा, तो हमने 45 का साइन यूज़ किया, यानी कि आंसर हमारा प्लस में आया क्योंकि 45 प्लस का है। सेकंड वाला जो पार्ट है, -45 + 20, तो 45 और 20 में से बड़ा कौन है? -45, तो हमने माइनस वाला साइन यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद था एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या था? कोई ऐसा नंबर जिसको हम ऐड करें और आंसर ज़ीरो आ जाए, यानी कि कोई भी नंबर हो हमें उसका क्या करना है? साइन चेंज करना है। ओके, तो ये सारी की सारी हम पहले बातें कर चुके हैं। ये एग्जांपल था कि 12 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर ज़ीरो आ जाए, तो माइनस का 12 ऐड कर दो। साइन चेंज करना है एडिटिव इनवर्स में और कुछ नहीं करना। उसके बाद था सब्ट्रैक्शन इज अपोजिट टू द एंटी अपोजिट टू एडिशन एंड देयरफॉर अगर हम एडिटिव इनवर्स को नंबर में ऐड करें तो आंसर हमें ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे रूल्स हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल जो है हमारे पास, ये है द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर हम दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर इवन, यानी कि इवन नंबर्स में अगर हमारे पास चीज़ें हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इवन नंबर का मतलब, जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल क्या था कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि मुझे मल्टीप्लाई करना है -2 × -3 × -4 × -5, तो मैं टोटल चार क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वी हैव टू मल्टीप्लाई फोर क्वांटिटीज़। वो फोर क्वांटिटीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या फोर इवन नंबर है? येस, तो आंसर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। उसी तरह से अगर क्वांटिटीज़ इवन की जगह ओड हो तो आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये हमने वर्कशीट के अंदर भी डिस्कस किया था। उसके बाद है कि मल्टीप्लीकेशन का उल्टा डिवीज़न होता है, ये हमें पता ही है। तो जो रूल मल्टीप्लीकेशन में थे वही के वही एज इट इज़ डिवीज़न में भी होंगे। यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते थे तो नेगेटिव आता था, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव आएगा। उसी तरह से नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो भी नेगेटिव आता था, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करोगे तो भी नेगेटिव आएगा। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये सारे के सारे रूल्स थे। उसके बाद था कि हम किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? ज़ीरो आता है। लेकिन ज़ीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स के अंदर अभी तक जीरो की डिवीज़न जो है यूज़ करते हैं, नॉट डिफाइंड। 7/0 नॉट डिफाइंड, 5/0 नॉट डिफाइंड, 0/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके, तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो इसके ऑपरेशंस थे हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आती थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर में हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ थी, दो तीन प्रॉपर्टीज़ थी जो उनको देखते हैं। क्लोज़र प्रॉपर्टी, क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। और दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। उसी तरह से दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा। लेकिन दो इंटीजर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इंटीजर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि हमने जो बात की थी इंटीजर में क्या होता है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ये इंटीजर की खास बात है। तो एडिशन के अंदर ये देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, एडिशन इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। एडिशन के अंदर इंटीजर क्लोज है, यानी कि a + b = b + a। ओके,
ये रहा, हाँ, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ये देखिए यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए और बी कोई इंटीजर है तो ए प्लस बी भी एक इंटीजर होगा, उसी तरह से फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी, ए माइनस बी इज ऑल्सो इंटीजर, सिमिलरली मल्टीप्लाई के अंदर भी ऐसा ही होता है, लेकिन डिवीज़न के अंदर ऐसा नहीं होता। ये देखिए डिवीज़न के अंदर यहाँ पे नोट को बोल्ड अक्षरों में लिखा है, इसीलिए ताकि हमें इसके ऊपर सीधा फोकस हो, सारी चीज़ें हमें पता है। उसके बाद था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव यानी कि जैसे 7 प्लस 5 12, 5 प्लस 7 12, आगे पीछे ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये देखिए फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात है, ठीक है ठीक है। तो इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता है, और बी माइनस ए इक्वल नहीं होते, ठीक है। देखिए ये रूल्स आपको दो तीन बार सुनने हैं, ताकि इससे आपको चीज़ें याद हो जाए, ओके। तो जितना ज़्यादा आप इसको सुनेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट है, ठीक है, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। जितनी बार आप इनको सुनेंगे उतनी बार आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएंगे, और फिर इनको प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करते टाइम हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी कॉम्यूटेटिव लॉ लगता है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए सेम होता है, ये आपने टेबल में सीखा भी है, 7 × 9 एंड 9 × 7, आंसर इज सेम, ठीक है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, लेकिन डिवीज़न के अंदर भी ऐसा नहीं होता। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक तो लगती है एडिशन में और एक लगती है मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में लगती है और डिवीज़न में नहीं लगती, ठीक है। फिर है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या है, हमने बात की थी, आप चाहे ब्रैकेट को पहले सॉल्व कीजिए चाहे बाद में सॉल्व कीजिए, प्लस के अंदर आंसर सेम आता है, ठीक है ना। चाहे आप पहले ब्रैकेट को ए बी प्लस सी को सॉल्व करके ए में ऐड कीजिए, या ए प्लस बी को सी में ऐड कीजिए, आंसर हमेशा सेम आता है। ये सारी की सारी पहले वाली रिविज़न ही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंदर नहीं लगती, ठीक है, इसमें आंसर अलग आ सकता है। ये देखिए यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी नॉट इक्वल टू, जब भी आपको ऐसा लगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लेके आप वैल्यू पुट कर लीजिए, अपनी तरफ से ए बी और सी की कुछ भी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अगर सेम आ रहा है तो यस, नहीं तो नो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी लगती है, डिवीज़न के अंदर नहीं लगती, ठीक है। फिर था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये हमने सीखा था किसमें, एलजेब्रा में, पहले हम इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वही किया हुआ है। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लाई और ऐड दोनों है, और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, आंसर सेम आएगा, लेकिन साइन का ध्यान रखना है, ओके। तो ये आपके सारे के सारे नोट्स थे। और आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी होता है जिससे नंबर में कोई फ़र्क ना पड़े, जिससे नंबर में कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि 47 में ऐसा क्या ऐड करूँ कि उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, 47 का 47 ही रह जाए, तो आंसर है 0 ऐड कर दो। और 47 को ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर उसका 47 ही रह जाए, तो 1 से डिवाइड करो, 0 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि 0 से डिवाइड मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिटी अंदर एडिशन मतलब 0 जो है वो आइडेंटिटी है एडिशन के लिए, और मल्टीप्लाई के लिए कौन है, 1 है, ठीक है। ये रहा किसी किसी भी इंटीजर ए में क्या होता है, ए प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए, ये हमने जो वर्कशीट की थी उसके अंदर भी एग्जाम्पल था, ये फिलअप के अंदर था ना जी, आइडेंटिटी अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा ही होता है। तो ये सारी की सारी रिवीजन करने के बाद आपको ये चीज़ पता लग चुकी है, हमने एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लिया है। तो अब हमें जो सीखना है वो क्या सीखना है, इसके क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आपने अभी किए वो इजी वाली वर्कशीट थी, अब हम थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाते हैं हमारा लेवल बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है उसमें सबसे पहले शुरुआत होगी हमारे एमसीक्यू से, ठीक है। तो हमें सबसे पहले करने हैं एमसीक्यू। तो हर स्टूडेंट को ये मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा इनको, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी होगा, इस वर्कशीट को आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मतलब कहीं पे साइन की प्लस माइनस की अगर आपको लगता है तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हमने ये वाले क्वेश्चन शायद पहले डिस्कस किए थे वर्कशीट नंबर 1 के, शायद हमने 6 क्वेश्चन तक किए थे जी हाँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए द नंबर 3 लेस देन माइनस 2,
थ्री लेस देन माइनस टू, माइनस टू में से थ्री माइनस कीजिए कितना आएगा, माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव। ओके, आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके 7 से लेकर 13 तक क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, ठीक है? आप इनको ट्राई कीजिए, फिर हम इसके लास्ट में आंसर एक बार एक साथ डिस्कस करेंगे। 7 to 13 हो गया, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसको आप 15 तक ही कर लीजिए फिर, ठीक है? ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 1। अब MCQ की वर्कशीट नंबर 2, क्योंकि हमें NTSC के अंदर जो हम प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर MCQ वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो हमें MCQ के ऊपर भी पूरा फोकस रखना है। ऑप्शन देखिए हमेशा एक जैसे होते हैं, 23 माइनस 23, साइन का फर्क, माइनस 5 प्लस 5। ओके, तो ऑप्शन हमेशा एक जैसे होते हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। कई बार ऐसा होता है कि आपने ऑप्शन ए लिखा जाता है लेकिन ऑप्शन बी होता है पास पास वाले, तो उसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है? तो ये है हमारी MCQ की सेकंड वर्कशीट। तो सबसे पहले आप इसके स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस को देखिए, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, इसको पॉज करके एक बार आराम से करो। उसके बाद है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 to 9। ओके, इनको पॉज करके कीजिए आराम से। उसके बाद है हमारे 10 to 12, ठीक है? हो गए? हाँ, आप इनको आराम से डिस्कस कीजिए अपने आप से, और फिर हम इसको जो हमारे बाद में डिस्कशन होगा उसके अंदर हम इनके आंसर को डिस्कस करेंगे, ठीक है? सेम वीडियो के जो क्वेश्चंस है ये आपको इसके लिंक में भी मिल जाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन। ये कई बार होता है कि वीडियो के अंदर कहीं प्लस माइनस में हो जाता है, कि कहीं विजिबल नहीं होता, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है कई बार, ठीक है? ओके, तो वर्कशीट नंबर 3 पे आते हैं हम, वर्कशीट नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सारे के सारे MCQs ही हैं, ठीक है? ये जो MCQs हैं, आपको इसमें क्या करना है, नोटबुक में पूरे पूरे क्वेश्चन आप ये मत लिखना, क्योंकि ये वाली वर्कशीट आपको मैंने वैसे भी प्रिंट आउट में ही आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सिर्फ आंसर लिखना वर्कशीट नंबर 1 2 3 जो भी है। क्वेश्चन नंबर 1 ए, जैसे इसका अगर ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर आएगा 7 इज एडेड टू -1, तो 7 और -1 यानी -1 + 7, तो बड़ा नंबर 7 है तो 7 का साइन आएगा, तो 6 आंसर आएगा। तो आपको इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 ए ऑप्शन 6, ठीक है? जैसे हमने एग्जाम में किया था ऑप्शन ए 6। इस तरह से 3 इज एडेड टू -3, तो इसका भी ऑप्शन ए 0। इस तरह से आपको इसके करने पूरे पूरे क्वेश्चन मत लिखना, क्योंकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा उसमें, ठीक है? ये आपको वर्कशीट वैसे ही प्रिंट आउट फॉर्म में मिलेगी, इसके आप प्रिंट आउट भी ले लेना बाद में। उसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन के बाद है क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक, एक बार नोट कर लो स्क्रीन को पॉज करके। हाँ, ओरली कर दो, कोई बात नहीं। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है? तो हमने 3 वर्कशीट कर दी, तीनों के अंदर 15 15 क्वेश्चन थे, 45 क्वेश्चन। MCQs में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक वर्कशीट और कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, चलो एक और कर लेते हैं, ठीक है? ये लास्ट है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 नोट कर लीजिए, एक बार सोल्व भी कर दीजिए इसको। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा, सीधा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए बी सी या डी, ए या बी, ए ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर अब 6 to 11, एक मिनट, 6 to 10, ठीक है? मुझे 9 का आंसर बताओ एक बार। -5 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता था, ऐड करने पे 0 आना चाहिए, तो साइन ही तो चेंज करना है, -5 का साइन चेंज करोगे तो +5। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 to 15, 11 to 15। ओके, मुझे 13th क्वेश्चन बताइए पहले। हाँ, डी ऑप्शन कितने बच्चों को लगता है, और बी, किसी को ए तो नहीं लगता? जी हाँ, इसका बी और डी में से कौन सा है, डी ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह से हमें वर्कशीट्स को डिस्कस करना है, आप इनको करके देखिए, और इस वीडियो का जब आप चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है? इन 4 वर्कशीट्स का कर पाएंगे, 60 क्वेश्चंस हो गए, लेकिन सारे के सारे MCQs ही हैं। 60 क्वेश्चन 30 मिनट्स में आप बड़े आराम से कर देंगे, ठीक है? क्योंकि कुछ तो वीडियो का टाइम भी है, और बाकी 1 आवर का सारा काम है, आप इसको कीजिए। थैंक यू।